न्यूमेरिकल नंबर 2.9। इस न्यूमेरिकल में हमें तीन वेक्टर्स गिवन है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी। हमसे ये पूछा गया है कि क्या ये तीनों वेक्टर आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, यानी कि हमने फाइंड करना है कि ए परपेंडिकुलर है बी के, बी परपेंडिकुलर है सी के और सी परपेंडिकुलर है ए। ये हमने साबित करना है, ठीक है। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि क्या दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो आपने फौरन उनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल आ जाए तो वो परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। इसका मैं पहले प्रूफ दे देता हूं। ये वेक्टर जे है और ये वेक्टर आई है, ये देखें, ये आपस में परपेंडिकुलर, ठीक है। जो परपेंडिकुलर होते हैं उनमें जो एंगल होता है वो 90 के इक्वल होता है। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी आपसे पूछा जाए कि क्या दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, तो उनका आप फौरन डॉट प्रोडक्ट निकालें। अगर डॉट प्रोडक्ट जीरो आए तो आप कहेंगे कि वो दोनों परपेंडिकुलर हैं। डॉट प्रोडक्ट जीरो आए, इसका प्रूफ मैं आपको देने लगा हूं। अगर मैं आई डॉट जे निकालूं, डॉट का मतलब होता है कॉस, ठीक है। आई और जे में जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 का, कॉस 90 हमारे पास होता है जीरो। तो आई और जे का मैंने डॉट प्रोडक्ट निकाला और डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है। डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल तब आ सकता है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो यही हमने फिनोमिना इधर अप्लाई करना है कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए, अगर बी और सी परपेंडिकुलर हैं तो बी डॉट सी जीरो आना चाहिए, और अगर सी परपेंडिकुलर है ए के तो सी डॉट ए भी जीरो आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ए डॉट बी। ए की वैल्यू है हमारे पास आई प्लस जे प्लस के डॉट, बी की वैल्यू है हमारे पास टू आई माइनस थ्री जे प्लस के। डॉट प्रोडक्ट में आई वाली वैल्यू को आई से, जे वाली वैल्यू को जे से और के वाली वैल्यू को के से मल्टीप्लाई करवाते हैं। इधर आई की वैल्यू वन है, इधर टू है, वन मल्टीप्लाई बाय टू टू। इधर जे की वैल्यू वन है, इधर माइनस थ्री है, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस थ्री माइनस थ्री। इधर के की वैल्यू वन है, इधर भी के की वैल्यू वन है, वन मल्टीप्लाई बाय वन वन। टू प्लस वन थ्री, ये वाला माइनस थ्री जीरो। अब देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, जब डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए तो ये साबित हो जाता है कि वो दोनों वेक्टर जो हैं वो परपेंडिकुलर है, ठीक है। एस ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, सो ए परपेंडिकुलर है बी के। इसी तरीके से अब हम चेक करते हैं कि क्या बी और सी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हम बी डॉट सी निकालेंगे। बी हमारे पास है टू आई माइनस थ्री जे प्लस के डॉट, सी हमारे पास है फोर आई प्लस जे माइनस फाइव के। डॉट प्रोडक्ट लें, आई वाली वैल्यू को आई से, जे वाली वैल्यू को जे से और के वाली वैल्यू को के से मल्टीप्लाई करवाएं। टू मल्टीप्लाई बाय फोर एट, माइनस थ्री मल्टीप्लाई बाय वन माइनस थ्री, वन मल्टीप्लाई बाय माइनस फाइव माइनस का फाइव, एट माइनस थ्री प्लस माइनस माइनस एट, माइनस थ्री और माइनस फाइव माइनस का एट जीरो। एस बी डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, सो बी एंड सी आर परपेंडिकुलर, ठीक है, ये भी साबित हो गया। अब आखिरी रह गया हमारे पास सी परपेंडिकुलर ए, ये फाइंड करने के लिए सी और ए का डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। सी और ए का डॉट प्रोडक्ट, सी की वैल्यू है हमारे पास फोर आई प्लस जे माइनस फाइव के, और ए की वैल्यू है हमारे पास आई प्लस जे प्लस के, आई प्लस जे प्लस के। फोर इंटू वन फोर, जे की इधर वैल्यू वन है, इधर भी वन है, वन इंटू वन वन। के की वैल्यू इधर माइनस फाइव है, इधर वन है, माइनस फाइव इंटू वन माइनस फाइव। फोर प्लस वन फाइव माइनस फाइव, ये जीरो। तो सी और ए का डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि सी परपेंडिकुलर है ए के। तो ये भी हमने साबित कर दिया कि ये तीनों जो वेक्टर्स हैं आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, क्योंकि इनके डॉट प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीरो के इक्वल आ रहे हैं।